हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निमास किचन। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही परफेक्ट तरीके से साबूदाना की खिचड़ी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस लगती है। थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, अगर आपने वो समझ लिया तो आपकी भी साबूदाना खिचड़ी ऐसे ही एकदम खिली खिली और बहुत ही ज़्यादा लजीज बनेगी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने साबूदाना आपको सर्व करके दिखाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम एक एक मोती, एक एक दाना साबूदाने का कैसे खिला खिला है। तो बहुत ही परफेक्ट रेसिपी बनेगी, बस आपको सारे स्टेप्स पूरे फॉलो करने हैं और रेसिपी को पूरा देखना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी लगभग साबूदाना ले लिया है। इसे मैंने जो है मोटा वाला साबूदाना यूज किया है। इससे जो साबूदाना खिचड़ी बनती है वो बहुत ही अच्छी बनती है, मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाता है। एक इससे थोड़ा मोटा वाला भी आता है, वो मत लीजिएगा। जो मीडियम साइज का मोटा वाला दाना आता है वो आप साबूदाना खिचड़ी के लिए यूज करिएगा, उसकी साबूदाना खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है। तो अब हम इसे एक बाउल में डाल करके इसमें पानी डाल देंगे और इसको हाथों से हल्का सा ऐसे रब कर देंगे, जिससे कि जो भी इसके ऊपर सफेद कलर का बुरादा होता है ना, वो सारा छूट जाएगा। और इससे आपके साबूदाना बहुत ही अच्छे से भीगेंगे और बहुत ही बढ़िया फूलेंगे और जल्दी फूल जाएंगे और इससे खिचड़ी भी बहुत अच्छी बनेगी। तो बस 3-4 बहते पानी से आप इसे अच्छे से धुल लें और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें और इसको घड़ी देख करके 1 घंटे के लिए आप भिगो के छोड़ दें। तो बस जब 1 घंटा हो जाए तो इसको जो है फिर आप छान लें, और जैसे ही आप छान लेंगे तो इसको एटलीस्ट आप 15 से 20 मिनट या थोड़ा सा और ज़्यादा इसको इस तरीके से छोड़ दें छन्नी पे करके, जिससे कि इसका जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो सारा निकल जाएगा और जो आपका साबूदाना है ना वो एक एक दाना एकदम ऐसे ड्राई हल्का सा हो जाएगा, उसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा वाटर नहीं रहेगा। तो आपकी जो खिचड़ी है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। आप साबूदाना को अगर देखना चाहते हैं कि वो कितना अच्छे से वो हुआ है, मतलब भीगा है, तो हाथों में हल्का सा एक दाना लें, उसको ऐसे मैश करके देख लें। अगर परफेक्ट तरीके से मैश हो रहा है, मतलब कि आपको आपका साबूदाना एकदम परफेक्ट भीग चुका है। तो अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में हम लगभग 2 चम्मच के जितना देसी घी डाल देंगे और घी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और जैसे घी हमारा हल्का गर्म हो जाएगा हम इसमें एक छोटी कटोरी के जितनी मूंगफली डाल देंगे, लगभग 2, अगर आप मुट्ठी से देखें तो 2 मुट्ठी के जितनी है ये। तो बस इसे डाल करके आप लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें, जब तक कि मूंगफली अच्छे से क्रिस्प नहीं हो जाती। तो मूंगफली क्रिस्प होने की ये निशानी होती है कि जब मूंगफली हल्की सी फटने लग जाए और इसका हल्का सा जो ऊपर का छिलका है ना वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाए, तो मतलब कि आपकी मूंगफली हो चुकी है। तो बस लगभग 3 से 4 मिनट तक इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनने के बाद आप देख सकते हैं जो मूंगफली है वो थोड़ी सी फटी फटी सी लगने लग गई है, उसमें से आवाजें आने लग जाती हैं। तो बस हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और सारी मूंगफली को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। मूंगफली को भून के डालने से इसके उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत ही क्रंची लगती है। तो अब हम उसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी और डाल देंगे और घी को हम फिर से हल्का सा गर्म कर लेंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। और जैसे घी हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और इसी के साथ हम इसमें स्वाद के अनुसार 5 से 6 हरी मिर्च डाल देंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। तो मिर्च को डालने के बाद आप इसे हल्का सा भून लें, जिससे कि जो इसका तीखापन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो बस अब हम इसमें 4 से 5 काजू के टुकड़े डाल देंगे। यहाँ पे मैंने साबुत काजू लिया था और इसको हल्का सा क्रश कर दिया है। तो इसे डाल करके आधे से 1 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर इसे हल्का सा भून लेंगे और जैसे हल्का सा काजू जब क्रिस्प होने लग जाएगा फिर हम इसमें जो है करी पत्ता डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने मीठी नीम डाला है, जिसे हम करी पत्ता भी बोलते हैं। इसी के साथ हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ आलू डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसमें 1/4 चम्मच के जितना सेंधा नमक डाल देंगे, क्योंकि हम व्रत में खाने वाली साबूदाना खिचड़ी बना रहे हैं तो हम इसमें सेंधा नमक का यूज कर रहे हैं। मगर आप अगर नॉर्मल डेज में इसको बना रहे हो तो आप इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हो, आप इसमें नॉर्मल नमक भी डाल सकते हो। तो बस ये सब कुछ डाल करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और बस अब हम इसे लो फ्लेम पर तब तक पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक कि हमारे आलू जो है वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो आप चाहें तो इसमें उबला हुआ आलू का भी यूज कर सकते हैं, बस आप उसको थोड़ा सा बिना ढक्कन लगाए भून लें। तो बस इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपने आलू को एक बार चेक कर लेते हैं।
तो बस अब आप देख सकते हैं जो आलू है वो काफी अच्छे से पक गए हैं, बहुत ही परफेक्ट कुक हो चुके हैं। तो हम इस तरीके से उसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को हम एकदम लो टू मीडियम ही रखेंगे। बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे नहीं बनाना चाहिए क्योंकि फिर आप उसको मैनेज नहीं कर पाते और सामान जो है ना वो उतना ज्यादा टेस्टी बनता भी नहीं है। तो बस इस तरीके से आप एक आलू लें और इसको चम्मच से या हाथों से ऐसे दबा करके चेक कर लें तो आप देख सकते हैं जो आलू है वो बहुत ही परफेक्ट एकदम कुक हो चुके हैं और बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लगती है। अगर आप पूरे स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करके इसी तरीके से बनाएंगे तो आपकी साबूदाना खिचड़ी भी बहुत ही अच्छी बनेगी। अब हम इसमें एकदम 2 चुटकी के जितना काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो जो हमने साबूदाना भिगो करके रखा था अब इसको छान लेंगे, मतलब इसमें डाल देंगे। और इसको मैंने छान करके एटलीस्ट 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था, इससे ये एकदम ड्राई हो गया है। तो अब स्वाद के अनुसार थोड़ा सा हम सेंधा नमक डाल देंगे। नमक मैंने पहले भी थोड़ा सा डाला था आलू में तो हम हल्का सा कम ही डालेंगे। और जो हमने मूंगफली भी भून कर रखी थी वो भी अभी हम इसी वक्त डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छे से बस मिक्स करेंगे। इन सब चीजों को डालने के बाद आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है इसको मिक्स करने में, सिर्फ आप इसको फटाफट 1 से 2 बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सारे मसाले और आलू वगैरह है वो साबुदाना में अच्छे से मिक्स हो जाए। और गैस की फ्लेम को आप लो टू मीडियम ही रखें, वरना अगर आप बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे करेंगे ना तो साबुदाना बहुत स्टिकी होने लग जाते हैं तुरंत ही। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा सा जो है एक नींबू का रस डाल देंगे। अगर आप खट्टा कम खाना पसंद करते हो तो नींबू का रस आप कम भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और फटाफट हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं एक एक दाना कैसे एकदम मोती की दाने की तरह पूरा खिला खिला बना है, बहुत ही डिलिशियस बनता है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे हल्का सा बस इस तरीके से मिक्स कर देंगे। तो खिचड़ी हमारी बन करके बिल्कुल रेडी हो चुकी है और आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा डिलिशियस बनी है, एकदम खिली खिली और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। आप इसे चाहे व्रत में बना के खाएं या किसी भी नॉर्मल डेज में, ये बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही जल्दी बनने वाला रेसिपी है और इसको आपको एक बार जरूर बना के ट्राई करना चाहिए। तो देख सकते हैं आपको रेसिपी जरूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा कमेंट और शेयर भी करिएगा। और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।